डिस्ट्रिक्ट डोडा में 24 ऐसे ग्राम सेवक जो है सामने आए हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर मनरेगा प्रोग्राम की अगर बात करें, तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये 24 ग्राम सेवक, आपको बता दें कि पंचायत सेक्रेटरी जो है, जिन्हें कहा जाता है, ये अपना काम जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे थे। और इसी के मद्देनजर अब एसीडी जो है वहां के, जो एसीडी डोडा है यानी कि एडिशनल कमिश्नर डेवलपमेंट जो है, उनकी तरफ से अब ये फैसला लिया गया है कि इन 24 के 24 ग्राम सेवक की जो है सैलरीज विथहेल्ड कर दी गई हैं, यानी कि रोक दी गई है। आपको बता दें कि जो मनरेगा प्रोग्राम है, जो कि सेंटर की तरफ से एक स्कीम जो है वो स्पॉन्सर की गई है, और इस स्कीम के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड पर होनी चाहिए थी, वो ये जो ग्राम सेवक थे ये नहीं करवा पा रहे थे, जिसको देखते हुए एसीडी जो डोडा है उन्होंने जो है ये बड़ा कदम उठाया, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि इन सभी 24 ग्राम सेवकों की सैलरी जो है वो रोक दी जाए जब तक इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो यानी कि जहाँ पर इन सभी सरकारी दफ्तरों की बात करें या फिर सरकारी कामकाज की बात करें, तो कड़े से कड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं, जो भी सही तरीके से काम जो है नहीं किया जा रहा है। और अब जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा की तरफ से जो है ये यहाँ पर एक तरह से कदम उठाया गया, जहाँ पर तमाम जो पंचायत सेक्रेटरी थे, जिनका नंबर जो है 24 बताया जा रहा है, यानी कि 24 ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज जो है ये सामने आए हैं, जहां पर मनरेगा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि हर एक पंचायत में एक ग्राम सेवक जो है वो होता है, और इन सभी का काम होता है कि पंचायत के अंडर जो भी काम होते हैं वो जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, उनका काम जो है वो करवाया जाए। और इसी के तहत जहाँ पर मनरेगा स्कीम की अगर बात करें, तो मनरेगा की जो स्कीम है ये भी पंचायत के अंडर आती है, और पंचायत का काम रहता है कि वो आम जनता तक इस स्कीम को जो है पहुंचा सके। और इसी के चलते जहाँ इसके अगर हम बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी की, तो ये पंचायत सेक्रेटरीज जो हैं ये अपना काम जो है जब सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी जो है इस पूरी परफॉर्मेंस को जो है जब इनका ब्यौरा किया गया है, जब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेकआउट की गई है, तो उसके बाद एसीडी डोडा ने जो है इनकी सैलरीज जो है वो विथहेल्ड कर दी है, यानी कि रोक ली गई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने इन तमाम पंचायत सेक्रेटरीज को ये कहा है कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी ब्लॉक्स हैं वहां पर जो है ये देखा जाए कि ये इनका काम जो है वो आखिर क्यों सही तरीके से नहीं हो पाया है, और जितनी भी ये स्कीम्स हैं ये इम्प्लीमेंट जो है वो क्यों नहीं की पाई गई है। जो ऑर्डर एसीडी ने जो है यहाँ पर निकाला है उसमें ये कहा गया है कि जो भी टाइमली पेमेंट्स हैं किसी भी, जब स्कीम की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है सबसे पहले वो जो है वो सही तरीके से की जा सके। और इस स्कीम को जब इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी सही तरीके से नहीं की गई है, तो अब जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं उनको ये कहा गया कि वो ये मॉनिटर करें रेगुलर बेसिस पे, और अगर उसके बावजूद भी ये वार्निंग्स देने के बावजूद भी ये जो तमाम पंचायत सेक्रेटरीज हैं, यानी कि ये जो 24 पंचायत सेक्रेटरीज हैं, ग्राम सेवक हैं, अगर ये अपनी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करने में फेल हो जाते हैं, तो इनकी जो भी टाइमली पेमेंट है वो इन्हें नहीं मिलनी चाहिए, इनकी वो जो सैलरीज रहेंगी, इनकी जो पेमेंट रहेगी वो जो है इसी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी। और साथ ही साथ इन सभी जो पंचायत सेक्रेटरीज की जो सैलरीज है वो अभी तक के लिए विथहेल्ड कर दी गई है विद इमीडिएट इफेक्ट, और तमाम वीडियोस को ये डायरेक्ट किया गया है कि इनकी सैलरीज जो है वो क्रेडिट ना की जाए, यानी कि इन सेक्रेटरीज को जो है सैलरीज ना दी जाए। तो यानी कि जो डेवलपमेंट चेयरपर्सन की अगर बात करें, तो उनके अंडर जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 है, उसी के तहत ये तमाम जो कदम है ये उठाए गए हैं, जहाँ पर जैसे ही इन पंचायत सेक्रेटरीज की नेग्लिजेंस जो है इनके काम को लेकर देखी गई है, उसके बाद ये कदम उठाया गया कि इन तमाम जो भी ग्राम सेवक हैं इनकी सैलरी जो है वो रोक दी।